फट गई खोपड़ी, परेशान हो गया इंसान। क्यों? अरे फिल्म देख के आए। फिल्म का नाम क्या है? फोटोग्राफ। हेलो हेलो जी, मैं हूँ मेघा, ये है अनंत और ये गया उनका गिटार, और हम लेकर के आ चुके हैं बॉसी टॉकीज। भाई इस हफ्ते बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई हैं, 3 फिल्में रिलीज हुई हैं। दूसरी फिल्म जो हमने देखी आपके लिए उसका नाम है फोटोग्राफ, जिसमें है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सानिया मल्होत्रा। ये थोड़ी रिस्ट पुष्ट ज्यादा हो गई है पिछली फिल्म के बाद, लेकिन बहुत बढ़िया एक्टर है। और साथ में आपको दिखा देंगे फारूक जफर, जो कि है नवाज की दादी। ओहो, नवाज पड़ोस में रहता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरा बोलो। और जो दादी है काफी खूसट और खुर्राट टाइप की है, एकदम नो नॉनसेंस। अरे वो कोई बिजली का तार नहीं है। बड़ा हम एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को नहीं भूल सकते। सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर फिल्म में था मुंबई शहर। काफी धीमी गति वाली फिल्म है फोटोग्राफ। एक ऐसी फिल्म है जिसे फिल्म फेस्टिवल्स पे दिखाया गया, और मेरे ख्याल से वहीं पे रोक देना चाहिए था, फिल्म फेस्टिवल्स में ही दिखाना चाहिए था। कमर्शियल मूवी तो ये कतई नहीं है। लंच बॉक्स मूवी के डायरेक्टर रितेश बत्रा ने बनाई है ये फिल्म, तो आपको मतलब लंच बॉक्स मूवी की भी काफी फील मिलेगी। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे लंच बॉक्स में सारी कहानियां ओपन एंडेड थी, उनका कोई अंत नहीं था, इस फिल्म में भी आपको कोई अंत नहीं मिलेगा, पता नहीं कहां जाके रुक जाती है फिल्म। और अनंत एक और चीज बताती हूँ, जैसे लंच बॉक्स मूवी में निमृत सुनती थी ना ऐसे बॉलीवुड रेट्रो सॉन्ग्स, इस फिल्म में भी तो सेम चीज हो रही है ना। हाँ, दो गाने तो बहुत बढ़िया हैं इस फिल्म के अंदर जो कि पुराने हैं। एक तो नूरी आलू पूरी, नहीं गाना नहीं बस बता दो ना नाम। हीरोइन का नाम नूरी रखते हैं नवाजुद्दीन, और दूसरा तुमने हमें देखा, जो मेघा गाने की कोशिश कर रही थी और मैं बहुत बढ़िया गिटार बजा रहा था। वैसे काफी एस्थेटिकली रिच है ये फिल्म। अगर आप ऐसे फिल्म स्टूडेंट हैं या अगर आप कोई फिल्म को पढ़ना चाहते हैं तो ये फिल्म तो भैया देखना बनती है। मतलब मैं बता रही हूँ, एकदम सही बजाया फरमाया तुमने, ये फिल्म एस्थेटिकली ही रिच रहेगी, क्योंकि पैसे तो नहीं कमाने वाली है, आर्ट मूवी है, पैरेलल पतलून वाली सिनेमा है। रियलिस्टिक कैरेक्टर्स दिखाई देंगे आपको फिल्म में, नवाजुद्दीन और सानिया मल्होत्रा दोनों के दोनों। ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी और मुंबई शहर की खूबसूरती मतलब तसल्ली से दिखाया ना। ये मैं बता रहा हूँ क्या कहने की कोशिश कर रही है, कि प्रोडक्शन सेट्स लोकेशंस पे खर्चा नहीं हुआ है, वो थोड़े मतलब गरीबी वाली फीलिंग आती है, लेकिन इसको रियलिस्टिक सिनेमा कहते हैं क्यों मेघा? राइट, एब्सोल्युटली। थिएटर के अंदर हम दोनों को इंक्लूड करके सिर्फ 12 लोग आए थे वैसे। जिसमें से 11 इंक्लूडिंग मी फिल्म से काफी नाराज थे। मैं खुश थी, आई रियली लाइक द फिल्म। अब जरा देखते हैं कि फोटोग्राफ, नवाजुद्दीन की फोटोग्राफ को बाजी टॉकीज में स्टार्स मिलने भी चाहिए या फोटोग्राफ फाड़ देनी चाहिए? ऑफ कोर्स मिलने चाहिए, मैं दे रही हूं ना 1-2 स्टार्स। कुछ ज्यादा दरिया दिली नहीं हो रही है। खैर, नवाजुद्दीन और सानिया मल्होत्रा ने एक्टिंग बहुत बढ़िया की, अब डायरेक्टर साहब कुछ और ही खा के बैठे तो क्या कर सकते हैं। खैर सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अगर आपको बाजी टॉकीज पसंद है और अगर आपको हम दोनों बहुत पसंद है तो फटाफट से जाइए नवभारत टाइम्स का जो यूट्यूब चैनल है उसको कर लीजिए सब्सक्राइब। ये देखिए घंटी ऐसे करके प्रेस कर लीजिए, एंड जैसे ही कोई वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप ही को इत्तला किया जाएगा। फिलहाल बाजी टॉकीज में अनंत और मेघा की तरफ से बाय बाय। ज्यादा टूडल्स खाओगे तो मैदा पेट में फंस जाएगा।